मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। हम बात कर रहे हैं हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक और यात्रा का शुभारंभ किया गया है और ये कहा जा रहा है कि ये जो यात्रा है वो पूरी तरीके से राजनीतिक है। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर जयराम रमेश तक सभी इस बात को कह रहे हैं कि ये जो यात्रा है ये काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं और जनता विरोधी है कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है, उसको लेकर नाम दिया गया है चार्जशीट, और ये चार्जशीट जनता के बीच में लेकर जाने का काम करेंगी प्रियंका गांधी। यानी कि एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि कर्नाटक चुनाव को लेकर भी कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी यहां पर भी तमाम दौरे करते हुए नजर आएंगी, और ये भी अगर हम माने कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा जो है वो राज्य है और कहा जाता है कि जो भी पार्टी केंद्र में जाती है वो कहीं ना कहीं उसका जो गेटवे है वो उत्तर प्रदेश है, तो क्या ये मान लिया जाए कि प्रियंका गांधी को अब एक बड़ी जिम्मेदारी राहुल गांधी के बाद सौंपी गई है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो जिम्मेदारी मिली थी उसे बखूबी निभाया। मल्लिकार्जुन खड़गे का दिमाग हो सकता है क्योंकि अनुभव उनके पास बहुत ज्यादा है, और उसी को लेकर ये कयास लगातार लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, प्रियंका गांधी को अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान में कहीं ना कहीं वो सियासी दौरे करती हुई नजर आएंगी, उत्तर प्रदेश के लिए भी ये कहा जा रहा है, और भी तमाम ऐसे गढ़ हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करी जाए तो फिलहाल सरकार नहीं है, लेकिन कमलनाथ पूरा दम भरते हुए नजर आ रहे हैं और उनका ये कहना है दावे के साथ कि उनकी सरकार एक बार फिर से बनती हुई नजर आएगी। तो क्या हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा एक राजनीतिक यात्रा से कहीं बढ़कर साबित होगी कांग्रेस के लिए? इन्हीं तमाम सवालों के साथ आपको छोड़े जा रहे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज। नमस्कार।